हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैसे हेल्प हिंदी यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल कैसे हेल्प पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक फैन पेज पर लाइव कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सीखना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। और सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल कैसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जल्दी ही मैं एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब पर कैसे लाइव जा पाएंगे और आप अपने फेसबुक फैन पेज पर अपने मोबाइल के थ्रू कैसे लाइव जा सकते हैं। और जो तीसरी वीडियो ये होगी लाइव से रिलेटेड कि आप अपने जो फेसबुक प्रोफाइल पर है उस पर लाइव कैसे जा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक पेज पर लाइव कैसे जा सकते हैं अपने पीसी से। तो इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। सबसे पहले तो आपको अपने फेसबुक फैन पेज पर आना है। जैसे मेरा फेसबुक फैन पेज है, मैं इस पर आ गया हूँ, जिसका एड्रेस है www.facebook.com/कैसे हेल्प। जब आप अपने फेसबुक पेज पर आएंगे तो यहाँ पर राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पब्लिशिंग टूल का। आपको क्या करना है, आपको जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ये नई विंडो ओपन हो जाएगी। और आप लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो लाइब्रेरी, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही वीडियो लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन दे देगा, एक लाइव का देगा और दूसरा अपलोड का। अगर आप इसमें कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, सिर्फ अपलोड पर क्लिक करिए और यहाँ पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हमको वो लाइव जाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ लाइव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लाइव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तीन चार URL दे देगा। जैसे ऊपर सिंगल फील्ड का URL है और सेपरेट फील्ड है। आपको जो इसमें इम्पोर्टेंट है URL है वो है स्ट्रीम की वाला। आपको इसको ही आपकी यही जो URL है वो आगे काम आएगी इसको लाइव आने में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आगे बता देता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। आप जैसे यहाँ पर बराबर में गूगल सर्च करना और गूगल पर डालना आपको एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम मैं बताऊँगा, उस OBS। जैसे आप OBS पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फ्रंट पे जो सबसे पहले वेबसाइट आ जाएगी, ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। आपको जिस पर टैप करके इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। और आपके सामने से यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। दोस्तों, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, आप उसको चाहे तो वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद जैसे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड OBS स्टूडियो, आपको जिस पर टैप करना है। और विंडोज 7 के लिए या फिर लिनक्स के लिए आप जो भी यूज कर रहे हो उसके लिए वो अपना जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपको विंडोज 7 के लिए यूज करना है तो आप नॉर्मली विंडोज 7 पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, जैसे आप उसको अपने मोबाइल में यानी कि अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये इसका शॉर्टकट आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पर। अब वो क्या करना है, जस्ट इसको ओपन करना है यहाँ से। दोस्तों, जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि मैं इस पर लाइव आ गया हूँ, इसमें जो मेरा वेब कैम है वो ओपन हो चुका है। दोस्तों, जो ये फिलहाल नाइट का समय है तो इस वजह से थोड़ा जो वीडियो है वो साफ नहीं आ रही है। मैं आपको चलो बता देता हूँ कि आपको क्या करना है इसमें आगे। आप जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है सीन, आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर ऐड सीन कर दें। यहाँ पर कुछ भी इसका नाम दे दीजिए, जैसे मैं लिख देता हूँ FB टेस्ट और या फिर ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद आपके सामने दूसरा ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर सोर्स का। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सोर्स ऐड करना है। सोर्स का मतलब दोस्तों, आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप दे रखा है यहाँ पर इमेज वगैरह, इमेज भी ऐड कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे आपको आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो कैप्चर डिवाइस, आपको जस्ट इस पर टाइप करना है और यहाँ से इसको उसका कोई नाम दे देना है, जैसे FB1 और इसको एक कर देता हूँ। ओके करने के बाद जैसे ही आपके सामने दूसरी विंडो पॉपअप हो जाएगी, आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस सिंपली यहाँ से ओके कर देना है। अगर आप दोस्तों, यहाँ से मैं एक बात और बताता हूँ, जैसे अगर आपके पास कोई दूसरा जो वेब कैम है दूसरा यूज कर रहे हो वो यहाँ पर आ जाएगा, अगर इंटीग्रेटेड है। मैं फ़िलहाल अपने लैपटॉप का ही यूज़ कर रहा हूँ जो काफ़ी अच्छा नहीं है, बहुत ही बेकार लग रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद ओके करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग मिलेगी, आपको आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है वो स्ट्रीम का है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक दो ऑप्शन मिलेगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर जब स्ट्रीम टाइप में यहाँ पर स्ट्रीम सर्विस पर करना है। और जो दूसरा नंबर जो सर्विस है यहाँ पर आपको यूट्यूब, बीम, डेली मोशन आपके के लिए काफ़ी
ऑप्शन दे देगा ये लाइव के लिए आपको। अब फिलहाल हम फेसबुक पर लाइव जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ फेसबुक पर लाइव ऊपर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर स्ट्रीम की मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर स्ट्रीम की के अंदर आपको क्या डालना है। आपका यह ब्लैंक आएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, नॉर्मल होगा ब्लैंक बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ स्ट्रीम की में आपको क्या फिल करना है। अब मैं दोबारा अपने फेसबुक पर पेज पर आता हूँ, आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर स्ट्रीम की है आपको जस्ट उसको कॉपी करना है। मैं कंट्रोल ए से क्लिक करके और कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, फिर से आपको सॉफ्टवेयर पर आना और यहाँ से इसको कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ से इसको नॉर्मली अप्लाई करना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है इस। और आप चाहे दोस्तों इसी यहाँ आप देख रहे हैं इसको छोटा बड़ा कैमरा को यहाँ से जो उसकी स्क्रीन है डिस्प्ले को छोटा बड़ा कर सकते हैं आसानी से अपने अनुसार। उसके बाद दोस्तों ऐसे आप क्या करना है, यहाँ पर आप फिर से अपने फेसबुक पेज पर जाइए और यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। और दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट स्ट्रीमिंग, आपको जैसे इस पर टैप करना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कनेक्टिंग का ऑप्शन भी आ गया है और यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं जैसे अपना फेसबुक ओपन करता हूँ, यहाँ पर फिलहाल अभी ऑफलाइन आ रहा है, जल्दी यहाँ पर ऑनलाइन हो जाएगा। सर दोस्तों आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया, जो उसका प्रीव्यू है वो यहाँ पर आ गया। दोस्तों आपको क्या करना है, आप यहाँ पर कुछ भी इसको टाइटल दे दीजिए, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एफबी टेस्ट। और आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा गो लाइव पर जाना है। मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक कर देता हूँ। ये आपके डिपेंड करेगा कि आपकी स्पीड कितनी है आपके इंटरनेट की। तो मैं दूसरे ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेता हूँ, जो अपना पेज है इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये लाइव आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर जैसे कि दोस्तों मैंने इसको दूसरे अपने पेज को दूसरे ब्राउज़र पर ओपन कर दिया, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा भी आ गया है, लाइव आ गया है यहाँ पर जो मेरी, या आपको चाहे तो इसको प्ले पर क्लिक करके इसको यहाँ से प्ले कर देता हूँ। मैं आपसे फिर से अपने दूसरे पेज पर जाता हूँ जहाँ पर मैं लाइव हुआ था, आप देख रहे होंगे इसे यहाँ पर देख भी दिखा भी रहा है कि जो उसके लाइव है कितनी बार, यानी कि कितने इसको लाइव को व्यू कर रहे हैं। मैं अपने आप को ही खुद को ही देख रहा हूँ, आप देख रहे थे कि मैं दूसरे ब्राउज़र से इसको ओपन कर रखा है। इसी तरह दोस्तों आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं, अपने आप को लाइव ला सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ आ रहा है, वीडियो व्यू भी आ रहा है, मिनट व्यू भी है, आप सारी डिटेल आपकी लाइव के यहाँ पर आ रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर लाइव जा रहे हो। अगर आप इस वीडियो को यानी कि लाइव को बंद करना है, तो यहाँ पर राइट साइड में नीचे एंड लाइव वीडियो आपको जस्ट इस पर टैप कर देना है और इसको यहाँ से एंड कर देना है। इससे मैं इसको एंड पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर इसको फिर से एंड पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर भी आ गया है कि मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर ऑनलाइन था, और यहाँ पर जो उसकी प्रोसेसिंग यानी कि जो वीडियो है वो तैयार भी हो गई है और यहाँ पर दिखा भी दिया है। यानी कि अगर आप चाहे तो आप कभी भी दोबारा फिर अपने पेज पर आएंगे तो देखेंगे कि आपने या कोई भी आपके पेज पर आए वो आपकी जिस वीडियो को लाइव को देख पाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इसके थ्रू आप सीख गए होंगे कि आप अपने फेसबुक पेज पर कैसे लाइव जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।